वेलकम 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 सो मजा आ रहा है, यू आर लाइकिंग इट। सो आई गेस आपने ये सारी एक्सरसाइज पूरी की, अपनी यूएसपी डिफाइन की, और अब हम लोग इस जगह पे आ गए हैं जहां आप अपनी यूएसपी एक पेन और पेपर पे लिख सकते हो। सो लिखिए आपकी यूएसपी क्या है। अब ये जो आपने दो तीन पॉइंट लिखे ना, आपकी यूएसपी क्या है, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है आप वो समझिए। इसका इम्पैक्ट आपके ब्रांड डेवलपमेंट पे पड़ेगा। जिस तरह का ब्रांड बनाएंगे आप, जिस तरह की कलर स्कीम होगी, जिस तरह का लोगो होगा, जो आप मार्केट में पोजीशन करेंगे, आप क्या हो, आप अपनी यूएसपी ही मार्केट में बताने वाले हो। आपकी जो प्राइसिंग होगी, जो आर्टवर्क होगा, जो मार्केटिंग कोलैटरल्स होंगे, जो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, ये सब का सब आपकी यूएसपी पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। सो इतनी बड़ी चीज थी जो हमने अभी अभी फाइनल की है, राइट। सो थोड़ा एग्जांपल भी लेते हैं, समझते हैं कि ये कैसे कोरिलेट होता है, एक सिंपल यूएसपी कैसे यहां तक पहुंचती है। So let's understand some example. There is a brand called Death Wish Coffee. इन्होंने सिर्फ एक ही चीज पकड़ी, कॉफी तो कॉफी है। दुनिया में 5000 ब्रांड होंगे कॉफी के, सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा, मोस्ट प्रीमियम भी होंगे। वैसे मोस्ट प्रीमियम कॉफी कौन सी होती है पता है? कॉफी लुमाक। ये क्या होती है एक बार गूगल करो आप। ये एक ऐसी चीज है जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट गूगल करो, इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका ओरिजिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्यों वर्ल्ड की सबसे महंगी कॉफी है ये जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, बट गूगल कीजिए, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डेथ विश कॉफी के बारे में, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उनकी यूएसपी क्या थी। वो सबसे महंगे नहीं थे, सबसे सस्ते नहीं थे, ऑर्गेनिक है या नहीं पता नहीं, ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, नो आइडिया। दे वांटेड ओनली वन मैसेज टू कम्युनिकेट, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी। सिर्फ एक ही मैसेज, उनकी यूएसपी है वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी। आप उनका लोगो देख लो, डेथ विश कॉफी, कलर स्कीम देख लो, डार्क कॉफी ब्लैक। उनकी कम्युनिकेशन देख लो आप, उनका कोलैटरल देख लो, सब कुछ इस लाइन से मैच करेगा, सब कुछ अलाइन है। ये होता है यूएसपी, और इस तरीके से यूएसपी आपकी बाकी चीजों को इंपैक्ट करती है, राइट। एमिरेट्स एक दूसरा ब्रांड लेते हैं। एमिरेट्स है क्या, एयरलाइंस है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये एमिरेट्स का एड है। इन्होंने क्या एयरक्राफ्ट दिखाया, इन्होंने ये बोला कि मैं बेस्ट फेयर देता हूँ, मैं चीपेस्ट फ्लाई कराता हूँ आपको बॉम्बे से दुबई या दिल्ली से दुबई या दिल्ली टू न्यूयॉर्क फ्लाइट में सिर्फ एक ही स्टॉप ओवर होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते। एमिरेट्स की यूएसपी क्या, लग्जरी। दे ओनली फोकस ऑन वन थिंग, डोंट जस्ट फ्लाई, फ्लाई बेटर। जैसे ही उन्होंने कहा फ्लाई बेटर, इसका मतलब है वो जो सस्ते वाले एयरलाइंस हैं उन सब से तो कंपैरिजन छोड़ ही दो आप, उन सब की बात ही मत करो, प्राइस की बात मत करो, इनफैक्ट बाकियों से महंगा होगा ये तो आप उन्होंने सबसे पहले बता दिया आपको। इन अ वेरी सटल मैनर दे टोल्ड यू कि ये तो महंगे हैं, आप अगर सस्ती एयरलाइन ढूंढ रहे हो तो आप इनके बारे में सोचो भी मत, करेक्ट। बट डज दैट मीन कि इनके पास बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि फ्लाई बेटर की इच्छा रखने वाले भी तो बहुत लोग हैं। एक घंटे दो घंटे की फ्लाइट में नहीं पता चलता है, पर जब 20 घंटे की फ्लाइट होती है ना, जब आप बैठे रहते हो कुर्सी पे जहां पैर स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, तो आपको समझ में आता है कंफर्ट की जरूरत क्या होती है। देन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाई बेटर, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट यू स्टार्ट बुकिंग टिकट्स इन बिजनेस क्लास, और इफ यू आर रिच इवन इन फर्स्ट क्लास। ये उन लोगों के लिए है। तो यूएसपी क्लियर है, उसकी मैसेजिंग क्लियर है, आर्टवर्क क्लियर है, कम्युनिकेशन सब एक लाइन में अलाइंड है प्रॉपर तरीके से। दिस इज व्हाट अ यूएसपी डज, इस तरीके से यूएसपी काम आती है, और ये एग्जांपल्स है, हमने अभी अभी देखा कहां कहां पे इसका यूज होगा।
तो जब हम लोग लोगो सेक्शन में आएंगे, जब ब्रांडिंग सेक्शन में आएंगे, तो ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, यूएसपी बहुत ज्यादा यूज होगा, बट वो हम किसी और दिन बात करेंगे। आज तो रिलैक्स हो जाइए, मजे कीजिए। आपने अपने बिजनेस का यूएसपी ढूंढा है, पर मुझे तो बताइए यूएसपी है क्या। वुड लव टू सी योर यूएसपी। मेंशन दैट इन द कमेंट्स बिलो।